नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी बार अलग अलग रूफ के ऊपर हम काम करते हैं, तो फिर काफ़ी सारी रूफ की कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती है, जो कि किसी ने और नहीं किया काम रहेगा तो फिर मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर कौन सी गलतियाँ हो गई है, जिसमें से एक तो लीकेज या फिर और काफ़ी सारे इशूज़ आते हैं। तो आज हमारे पास कुछ ऐसी एक साइट आई थी जहाँ पर टीन शीट लगाई गई है और वो भी रूफ टाइल के प्रोफाइल में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लीकेजेस है। तो फिर अभी हम चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या ऐसे इश्यूज़ थे या फिर क्या ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से वो लीकेज हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देख सकते हैं देखिए, बहुत ही उठा हुआ है ये जो स्क्रू है, वो स्क्रू अंदर फंसा ही नहीं, बिल्कुल ये भी ऐसे ही हुआ है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है, मतलब यहाँ ये साइड में नीचे गया है और ये साइड में उठा हुआ है, तो फिर पानी रिवर्स में ही आएगा, पानी आगे जाएगा ही नहीं है, और पानी यहाँ से होके अंदर ओवरलैप होके लीकेज हो रहा है। बाकी उसका दूसरा कोई रीज़न नहीं है, कि जब तक कोई फिट नहीं बैठेगा लीकेज नहीं रुकेगा। दूसरी बात है, ये जो उसकी स्टेप ली गई है, इसीलिए उसकी जो लेवल हो गई है ये अंदर की तरफ, ये साइड में उसका स्लोप हो गया है, ना कि ये साइड में। अगर ये साइड में होता तो फिर ये देखिए, ये पानी जो भी जम गया है ना, ऐसे पानी नहीं जमता। यहाँ पे दिखाओ, देखिए पानी जम गया है, इसीलिए कचरा ये साइड में जम गया है, ये साइड में गया, जहाँ पे भी पानी यहाँ से निकल रहा है तो फिर यहाँ पे कचरा नहीं जमा। तो ये हालत हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं। काफी जगह पे ये सब कुछ हालत है। ये जो स्क्रू लगाए हैं ये ऊपर के ऊपर अंदर जो पाइप में कसने चाहिए वो नहीं है, यहाँ पे अगर ये इतना ऊपर उठा रहेगा ना, ओके, तो इसका ऑटोमेटिकली पानी रिवर्स ही जाएगा, ना कि पानी आगे आ जाएगा, ये हालत। और दूसरी बात है कि इस साइड से आप देख सकते हैं, इस साइड में आपको लग रहा है कि यहाँ से उस साइड में बिठाते गए हैं, इसीलिए ओवरलैप ये साइड से दिख रहा है। कैमरा वो साइड में घुमाइए, अब ये देख सकते हैं ये साइड में भी हमें ओवरलैप दिख रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो बीच वाली शीट है ना, यहाँ से यहाँ काम करते गए, यहाँ से यहाँ पे काम करते गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साइड से दूसरी साइड तक जाने चाहिए, वो तो एक तो वो साइड से यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ से वो साइड में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए आप, कॉर्नर जो आए हैं ना वो काफ़ी गलत है, जो कि बची हुई शीट है वो यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ के अगर लाइंस अगर देखते हैं तो वो लाइंस भी टेढ़े मेढ़े हैं, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। जब भी प्रोफाइल शीट लगाते हैं, मतलब जो रूफ टाइल वाली, तो ये देखिए इसमें जो टॉलरेंस है, मतलब ये जो रखा गया है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल यहाँ पे चिपकना चाहिए तभी वो सही हो सकता है, अदरवाइज वो 100% ये गलत ही है। जो कि इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी गलत है, जो कहीं कहीं पे एक इंच का या फिर कहीं दो इंच का गैप रखा गया है, जिसकी वजह से दिखने में ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, जिसका अगर उसको लेवल में अगर हम ले लेते तो फिर उल्टा जो है स्लोप हो रहा है, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ध्यान रखिए कि लीकेज होना कंपलसरी है, मतलब लीकेज होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे जो ओवरलैपिंग किया है, अभी शीट आगे पीछे की गई है, ये देख सकते हैं ये शीट आगे है, ये थोड़ी पीछे है, ये होने से इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। लेकिन ये अगर ये चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ से बहुत सारा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये साइड में स्लोप हो गया है, जो कि स्लोप ये साइड में होना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से लीकेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ओके। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्क्रू जो लगाए गए हैं वो अंदर की तरफ लगाए गए हैं,
मतलब जब भी हम स्क्रू ऐसे नीचे के साइड में लगाते हैं तो फिर पानी यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे रुकेगा, ये ज़्यादा टाइम पानी रुकेगा, और यहाँ से जब भी पानी रुकेगा तो लीकेज करेगा ही करेगा, ओके। क्योंकि सिलिकॉन सीलेंट अगर कंटिन्यूसली हम यहाँ पे मतलब लगा रहे हैं, ओके, तो ये इतना ज़्यादा भी परफॉर्म नहीं करेगा कि पानी को 100% रोक लेगा, ओके, वो कभी ना कभी निकलने वाला है। तो लीकेज का ये जो समस्या है यहाँ पर परमानेंटली रहेगी, तो इसके लिए अगर ये सोल्यूशन है तो ये पूरा निकाल के नई वाली सीट बिठानी पड़ेगी, उसके लिए दूसरा कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हमने साइट पे जाके देखा कि जो फैब्रिकेशन वर्क के ऊपर जो कोरिगेटेड शीट लगाई गई है, जो कि मैंगलोर रूफ टाइल के प्रोफाइल वाली है, काफ़ी गलत काम हुआ है। हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है ताकि आप अपने घर के ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ों की आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो हमारा किसी आपके काम का हो जाए तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद फ्रेंड्स।